आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। वर्ष 2006 में बंद हुई सिंथेटिक्स फैक्ट्री के कर्मचारियों ने शुक्रवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बकाया वेतन और ग्रेच्युटी देने की मांग की है। फैक्ट्री के संयुक्त मोर्चा द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में यह बताया गया कि बकाया वेतन और ग्रेच्युटी के लिए कर्मचारी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शासन स्तर पर इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। संयुक्त मोर्चा के संयोजक प्रकाश सोलंकी ने बताया कि इस विषय में मुख्यमंत्री से भी निवेदन किया गया है। श्री सिंथेटिक्स के हम संयुक्त मोर्चा कलेक्टर महोदय से मिल रहे हैं। पिछले बार विवेक अग्रवाल कलेक्टर महोदय के मार्फत से ही इस फैक्ट्री को शुरू किया गया था, लेकिन 13 महीने चलने के बाद ही फैक्ट्री बंद हो चुकी थी और यहाँ से मालिक यहाँ से सब छोड़ छाड़ के यहाँ से भाग गया और हम सब लोगों को मझदार पे छोड़ गया। हमारा निवेदन है कलेक्टर महोदय से कि हमारी जो श्री सिंथेटिक्स की ज़मीन है वो उसको बेचकर या और भी किसी को उपयोग में लेकर हमारा तुरंत निराकरण किया जाए, क्योंकि 2006 से 2023 तक कम से कम 15-17 साल हो गए हैं और अभी तक किसी भी श्रमिकों का कोई भी आर्थिक निराकरण नहीं किया गया है। हमारी ग्रेच्युटी पूरी बाकी है, हमारी सैलरी बाकी है, 1465 रुपये बाकी है और भी कई देनदारी बाकी है। हमारे कलेक्टर साहब से हमारा यही निवेदन है कि इसे अतिशीघ्र हमारा निराकरण करके सबका हिसाब किया जाए और उसके बाद उस जमीन का जो करना है शासन करे, लेकिन पहले हमारा श्रमिकों का हिसाब किया जाए। और इसके अलावा भी हमने प्रोविडेंट फंड कमिश्नर से भी कई बार कम से कम 2019 से लेकर 2023 तक कम से कम हमने 200-300 आवेदन दिए हैं, जिसके द्वारा पीएफ कमिश्नर से हमने आग्रह किया था कि हमारा रिकॉर्ड कलकत्ता हाईकोर्ट से या लिक्विडेटर से मंगाया जाए जिससे हमारी पेंशन बढ़ जाएगी, लेकिन वो भी पीएफ कमिश्नर भी 4 साल से सुन नहीं रहा है। कलेक्टर साहब से हमारी निवेदन है कि पीएफ कमिश्नर को बुलाया जाए और तुरंत उससे कहा जाए कि ये रिकॉर्ड अतिशीघ्र लेके आए जिससे श्रमिकों की पेंशन का बढ़ोतरी हो सके और श्रमिकों का कुछ कम से कम थोड़ा बहुत तो आप आर्थिक लाभ मिले। आज 1100 रुपये पेंशन मिल रही है, क्या 1100 में लोगों के क्या घर चलते हैं? क्या आप देखिएगा कि इतने कम पेंशन में लोगों कैसे क्या गुजारा कर रहे हैं ये भगवान ही जानता है। अतः कलेक्टर साहब से विनम्र निवेदन है कि अतिशीघ्र हमारा हिसाब किया जाए और हमारी पेंशन के लिए भी अतिशीघ्र कार्रवाई की जाए। उन्होंने आश्वासन दिया श्री सिंथेटिक कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति है हमारी प्रशासन की और हम इसमें जितना भी संभव हो सके आपकी मदद करेंगे और जहां तक कानूनी लड़ाई का सवाल है तो उन्होंने बोला कानूनी लड़ाई में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, मगर भविष्य निधि के बारे में उन्होंने कमिश्नर से को बुला के और जो हमारी जो लिस्ट है उसको निर्देश देंगे मंगवाने का और पेंशन दोबारा बड़ो मतलब निर्धारण हो सके, जो अभी कम मिल रही थी वो ज़्यादा मिलने लग जाए हमको। वो कलेक्टर साहब से चर्चा स्वार्थपूर्ण रही है हमारी और भविष्य में भी उन्होंने मदद का आश्वासन दिया। बाकी विस्तार से शिंदे जी जो हमारी टीम के सदस्य हैं वो बताएंगे। कलेक्टर महोदय से बड़ी अच्छी चर्चा हुई है। हमने कहा है कि उस जमीन का जब तक हमारा हिसाब नहीं हो जाए उसका कोई निराकरण नहीं किया जाए, उसको जिस यथास्थिति रखी जाए जब तक हमारा हिसाब हो जाए उसके बाद उसका जो फेरबदल करना है वो करिए। ये हमने कलेक्टर महोदय से वो कहा और इसके बाद हमने कहा कि पीएफ कमिश्नर हम 2019 से 2023 तक कम से कम 300-400 आवेदन दे चुके हैं और कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, उसके बावजूद भी वो हमारा रिकॉर्ड नहीं मिला रहा है। अगर रिकॉर्ड आ जाता है तो हमारी जो वर्तमान पेंशन है उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है और जो सुप्रीम कोर्ट में हम पेंशन की केस जीते हैं उससे भी हमारे काफ़ी आर्थिक लाभ हो सकता है, लेकिन जब तक हमारा रिकॉर्ड नहीं आएगा और वो पीएफ कमिश्नर नहीं लाएगा तब तक ये बढ़ोतरी संभव नहीं है। तो कलेक्टर साहब ने कहा कि हम जरूर मैं पीएफ कमिश्नर को बुलाऊंगा और उससे सारे रिकॉर्ड लाने के लिए उसको जो भी वो अपनी तरफ से जो कार्रवाई करेंगे वो तैयार अवगत कराएंगे वो।